हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ओल्ड कॉइन कलेक्शन में आज सबका स्वागत है। दोस्तों, चलिए मैं आज आपको एक 10 रुपीज़ वाला जो बहुत ही अच्छा कॉइन जो दिखाऊंगा, आप इसे ज़रूर और बताऊंगा ज़रूर ये कौन सा रेयर है और कौन सा रेयर नहीं है और कौन से मिंट का है, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये 10 रुपीज़ वाला कॉइन देख सकते हैं, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कॉइन है 10 रुपीज़ वाला। इसे वह जो आप अपने कलेक्शन में रखा करें, अभी तो इसका मार्केट प्राइस वो 10 ही रुपीज़। आप इसको लेके जाएंगे तो कहीं पे कोई भी 10 ही रुपीज़ ही देंगे। इसका अभी ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ वैल्यू हो सकता है, इसलिए आप अपने कलेक्शन में रखा करें। और क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये 10 रुपीज़ नहीं चलते हैं दुकान पे, इसलिए। और ये एक कॉइन देख सकते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉइन है, आप ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉइन है, लेकिन ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको आप अपने रखा करें जो कलेक्शन में, ये भी एक अच्छा आगे चलकर बहुत ही वैल्यूबल और रेयर कॉइन होगा, इसलिए कलेक्शन में रखा करें। क्योंकि ये मार्केट में ज़्यादा कॉइन्स जो मिलते हैं वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता है, देख सकते हैं दोस्तों। और एक कॉइन मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार कॉइन, जो माता विष्णु देवी का कॉइन है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं उस कॉइन को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और वो भी क्या है, उसका प्राइस क्या है मार्केट प्राइस, और वो कितने में जाएगा वो कॉइन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन ये 2015 का 10 रुपीज़ वाला देख सकते हैं, ये मिंट जो देख सकते हैं आप, ये हैदराबाद और कोलकाता, नोएडा, सब मिंट से बना हुआ था जो। और ये देखिए विष्णु देवी कॉइन जो है, ये माता विष्णु देवी कॉइन, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा करके, लेकिन इसका जो कीमत है मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये इसका वैल्यू क्या है। बहुत सारे जो फ्रॉड भी होता है जो ऑनलाइन पे, इस फ्रॉड से बचा करें। अगर आपको कॉइन ख़रीदना बेचना है तो जाकर कॉइन एग्जीबिशन में जाकर आप वहाँ दिखा कर आप बेच सकते हैं और वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप ना किया करें। लेकिन आप इस कॉइन के वैल्यू की बातें करें तो ये कॉइन बिल्कुल इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको कहीं भी जाएं वही 10 रुपये का 10 रुपये ही मिलेगा, लेकिन आप ख़रीदेंगे तो 2-3 रुपये ज़्यादा आप ख़रीदेंगे, बेचेंगे तो बहुत ही कम। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।